नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं कि आप बैक पेपर संबंधित बहुत से क्वेरी आ रही है कि हम कितने पेपरों में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, एनुअल सेमेस्टर हैं या आप सेमेस्टर वाइज हैं या एनुअल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपको किस प्रकार से जो है फॉर्म को फिलअप करना है। पिछले जो वेबसाइट में आप यहाँ इस वाली वेबसाइट में देख रहे होंगे, तो यहाँ पर समझने में काफ़ी आपको दिक्कत समझ में आ रही होगी, यहाँ से चीज़ें जो है उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही हैं। तो एक जो नोटिफिकेशन अभी निकली थी जिसमें आपको फॉर्म को फिलअप करना है द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर में, जो यहाँ पर आप देखिए ये पोर्टल पे अपडेट है यूनिवर्सिटी की, तो वेबसाइट पर आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाना है। तो ये वेबसाइट जो है आपकी, इस वेबसाइट के जरिए से आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलिए, वहाँ से चीज़ें और बेहतरीन क्लियर हो जाती हैं। तो उसी वेबसाइट पर मैं आपको ले चल के दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर आपको नए तरीके से ये पेज ओपन होगा, जो यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर ये सारी नोटिफिकेशन यहाँ आपका डिस्प्ले होती रहेंगी, ये कॉलेज से संबंधित है और ये जो नोटिफिकेशन यहाँ पर संबंधित स्क्रॉल हो रही हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ऑनलाइन पोर्टल जो है ये है जो मैं पहले बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से आपको अपने फॉर्म को अपडेट करना है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप क्लिक करेंगे, तो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर से डायरेक्ट चले आएंगे, आप यहाँ रजिस्ट्रेशन आएगा कैंपस स्टूडेंट, उसके बाद आप उसके नीचे जस्ट लिखा हुआ है आप यहाँ पर कोर्स जो है कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए, कोर्स आप जो भी कोर्सेस है उस कोर्स को सेलेक्ट करिए, यहाँ पर रोल नंबर डालिए, रोल नंबर डालने के बाद यहाँ रोल नंबर डालिए, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालिए और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करके अपने फॉर्म को फिलअप कर दीजिए 31/12/2021 तक जो आपने फीस आपने जमा कर दिए हैं उसके बाद है। दूसरी बात ये कि जो यहाँ पर बैक पेपर संबंधित है, तो बैक पेपर मैं आपको यहाँ फिर से एक बार दिखा देना चाहता हूँ, जिसे स्टूडेंट कॉर्नर है तो स्टूडेंट कॉर्नर पर आप चले जाइए। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें आपको एक के बाद एक यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी का हेल्पलाइन जो है मोबाइल नंबर भी दिया गया है और यह आपकी मेल आईडी है। आप किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग से संबंधित है तो जो क्वेरी आती है आप यहाँ से आप उसको पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए चीज़ें एकदम क्लियर दी हैं, स्टूडेंट के लिए यहाँ पर पूरा दिया गया है, पोर्टल पर अवेलेबल है। जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं और बैक पेपर से संबंधित यहाँ पर आप हैं और आप का किसी भी कारण से आप जो है लेफ्ट प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल से संबंधित यहाँ पर चीज़ें हैं। और ऑनलाइन पोर्टल जहाँ पर आपको ITR और ITR करना है, स्क्रूटनी फॉर्म का है, चैलेंज एवेल्युएशन है, आपका प्रोविजनल मार्कशीट है, माइग्रेशन है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप जिस भी तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है, प्राइवेट है, एक्स स्टूडेंट हैं, बैक पेपर है या ऑनलाइन पोर्टल पर कुछ करना है, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। बात रही बैक पेपर की, तो बैक पेपर का फॉर्म जो आप फिलअप कर रहे हैं, तो अगर आप सेमेस्टर वाइज पेपर दे रहे हैं तो सेमेस्टर वाइज पेपर में जो शुरुआत में जो बात कही गई थी, जहाँ पर यूनिवर्सिटी के द्वारा ये कहा गया था कि आप दो पेपरों में, अगर आपके तीन चार पेपर हैं जिस सब्जेक्ट में, तो दो पेपरों में आप सेमेस्टर में दो पेपर में आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, दो बैक पेपर दे सकते हैं। एनुअल भी हैं, एनुअल में भी आप दो सब्जेक्टों में आप बैक पेपर दे सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में देना चाहते हैं तो दो पेपरों में आप बैक जो दे सकते हैं। लेकिन जहां पर दो ही पेपर हैं वहां पर आप उस सिर्फ ओनली एक ही पेपर में आप जो बैक दे पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो अगर आप दो पेपरों में हैं तो आप जो मिनिमम जिसमें सबसे कम नंबर हो उन सब्जेक्टों में आप अपने फॉर्म को फिलअप करिए, और अगर आप एनुअल हैं तो एनुअल में दो सब्जेक्टों में आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि इस बार एनुअल चलेगा, उसके बाद आने वाले समय में तो सारी चीज़ें आपका सेमेस्टर वाइज ही शुरू हो रहा है। तो सेमेस्टर वाइज में इतना ध्यान रखना है कि आप दो जो आपका सेमेस्टर में दो पेपर जिसमें कम हो उसमें आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट में आप ध्यान रखिए कि इस वेबसाइट के माध्यम से आप देखिए, इस वेबसाइट के माध्यम से आकर आप जो यहाँ से सारी चीज़ें करिए, यहाँ से कम गुंजाइश है आपकी जो का फॉर्म का इनकरेक्ट होने का। तो यहाँ पर सारे कुछ दिया गया है कि पेमेंट आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से नहीं करना है। इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी थी जिसमें बहुत कन्फ्यूजन था, तो इसको ध्यान लीजिए। और साथ साथ ये बताना जरूरी था कि जो ये पोर्टल है, जो इस यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें आप इस वेबसाइट से अगर आएंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। जानकारी आपको यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो अपने मित्रों से जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।